ये नर्सरी विजिट का थर्ड पार्ट है। इस पार्ट में मैं आपको बहुत सारे मसालों के प्लांट्स और फ्रूट्स के प्लांट्स दिखाऊंगी और उनके रेट भी बताऊंगी और आपको दिखाऊंगी इस नर्सरी में अवेलेबल खूबसूरत प्लांटर्स को। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और अगर इस नर्सरी विजिट का फर्स्ट और सेकेंड पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए सुपारी का प्लांट मैं आपको दिखा देती हूँ, 10-12 फीट का है ये प्लांट। क्या प्राइस है भैया इसकी? 800 रुपये का है। ये देखिए कितना बड़ा है, और छोटा प्लांट आपको सुपारी का इनके पास 60 रुपये का मिल जाएगा। ये देखिए ये 60 रुपये का है छोटा प्लांट। और ये कौन सा फर्न है, ये क्या है? ये देखिए ये बांस बैम्बू का प्लांट है यहाँ पर। ये देखिए बैम्बू बॉन्साई के लिए, बहुत छोटा गमले में लगाने के लिए आपको मिल जाएगा। ये देखिए ये इलाहाबादी अमरूद है ना, सेब की तरह वाला, कलकत्ता वाला है। अच्छा ये कलकत्ते का अमरूद है, एकदम लाल रहेगा पूरा अंदर। अच्छा ये पूरा रेड कलर का अमरूद है। क्या प्राइस है भैया इसका? ये कम कम है 60 रुपये। 60 रुपये का प्लांट आपको मिल जाएगा इनके पास। हाई किंग अमरूद है हमारे पास। कौन सा हाई किंग? इसमें फल लगा। ये देखिए एक दूसरा वैरायटी का अमरूद का प्लांट, इसको थाई पिंक बोलते हैं। थाई पिंक? हाँ, अंदर गुलाबी रहेगा ये। ये थाई पिंक है, ये अंदर पिंक कलर का फ्रूट रहेगा इसका। देखिए प्लांट फ्रूट लगा है इसमें। क्या प्राइस है भैया इसका? 100 रुपये। 100 रुपये का मिल जाएगा आपको। और ये टच मी नॉट छुई हुई है ना ये? हाँ। क्या प्राइस है भैया इसका? 30 रुपये। 30 रुपये का मिल जाएगा आपको। मसाले सब भी मिल जाएंगे, और बाकी आपको मसालों के प्लांट भी यहाँ अवेलेबल हो जाएंगे। ये देखिए काली मिर्च है, तेजपत्ता है, काली मिर्च, इलायची, जायफल, दालचीनी है। ये देखिए जायफल, दालचीनी, गरम मसाले, तेज पत्ते सारे अवेलेबल हो जाएंगे। क्या प्राइस पड़ेंगे भैया लगभग? 80-60 रुपये से लगा के कितने रुपए तक? 100 रुपये। 100 रुपये तक मसालों के प्लांट आपको मिल जाएंगे इनके पास। और ये देखिए लौंग का प्लांट, क्या प्राइस है भैया इसका? लौंग क्या? 100 रुपये का। और चेरी, ये देखिए चेरी का प्लांट है, इसमें फ्रूट भी लगा। क्या प्राइस है भैया चेरी का? 100 रुपये का चेरी का प्लांट आपको मिल जाएगा। ये देखिए इनके पास लाल चंदन और सफ़ेद चंदन, सारे चंदन भी, सैंडलवुड भी अवेलेबल हो जाएगी। क्या प्राइस है भैया चंदन का? 60 रुपये का चंदन का पौधा। ये देखिए ऐसे पॉलीबैग में है, ये देखिए चंदन का प्लांट। तो मैंने आपको पहले दिखाया है रुद्राक्ष का, उसमें देखिए फ्लारिंग चालू हो गई है, अब इसे फ्रूटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए कपूर का प्लांट, कपूर का कैसे प्लांट है भैया? 100 रुपये का कपूर का प्लांट है। ये हींग निकल भी रही है। और ये देखिए हींग का भी प्लांट है, ये देखिए हींग का पौधा है। ये हींग का कैसे पौधा भैया? 100 रुपये का हींग का पौधा है। ये क्या है? ये बादाम का पौधा है। और भैया देखिए इनके पास तो बादाम भी अवेलेबल है। ये देखिए ऐसे छोटे से प्लास्टिक के बैग में लगा। क्या प्राइस है बादाम का? 30 रुपये का बादाम। भैया बादाम तो बहुत महंगे हैं। 30 रुपये। और ये देखिए अंगूर का पौधा, ये ग्रीन और ब्लैक दोनों कलर के इनके पास अवेलेबल है। क्या प्राइस है भैया अंगूर के पौधे की? 30 रुपये का आपको अंगूर का पौधा मिल जाएगा। और ये देखिए शरीफे का पौधा भी है। क्या प्राइस है भैया सॉरी शरीफे का? 120 रुपये में शरीफे का पौधा आपको मिल जाएगा। कलम का, कलम से बनाया है इन्होंने। और बाकी ये देखिए मौसम्मी का प्लांट, ये देखिए कितना बड़ा फ्रूट्स है इसमें, और ये प्लांट भी काफ़ी अच्छा हेल्दी प्लांट है। क्या प्राइस है भैया मौसम्मी के पौधे? 100 रुपये में आपको मौसम्मी का प्लांट मिल जाएगा इनके पास। ये देखिए बॉटल पाम, गोल्ड मोहर, ये सब मिल जाएंगे आपको इनके पास। और ये देखिए अनानास का कितना बढ़िया पौधा है। क्या प्राइस है भैया अनानास की? 60 रुपये। 60 रुपये छोटा पौधा 60 रुपये का, और बड़ा पौधा 100 रुपये का इनके पास। अब दिखाती हूँ इनके पास अवेलेबल प्लांटर को। ये देखिए आउल प्लांटर, बुद्धा प्लांटर, एलिफेंट प्लांटर, डक प्लांटर, टर्टल प्लांटर, बहुत सारे खूबसूरत शेप और साइज़ में इनके यहाँ प्लांटर अवेलेबल हो जाएगा आपको। इनके यहाँ सेरेमिक के साथ साथ प्लास्टिक प्लांटर भी अवेलेबल हो जाएंगे। इनके यहाँ प्लांटर्स की रेंज 30 रुपीज़ से स्टार्ट होती है। ये देखिए आपको इनके पास हैंगिंग बास्केट भी अच्छी खासी रेंज अवेलेबल हो जाएगी। इसके साथ ही आपको इनके यहाँ कोकोपीट और सारी तरह की खाद, दवाइयाँ
और गार्डनिंग में यूज़ होने वाले सारे टूल्स मिल जाएंगे आपको, बड़े टूल्स जो खेतों में काम करने के लिए होते हैं, और आपको इनके यहाँ मॉस्टिक भी अवेलेबल हो जाएगी। ये नर्सरी भीरपुर में है जो कि इलाहाबाद मिर्ज़ापुर हाईवे पर पड़ता है। ये इलाहाबाद से लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर नर्सरी विजिट की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।